गुड मॉर्निंग। थ्योरी ऑफ मशीन में आज हम बात करेंगे शू ब्रेक के बारे में। शू ब्रेक एक मैकेनिकल ब्रेक है जो कि किसी शू और ब्लॉक का बना होता है, जिसे हम किसी रोटेटिंग ड्रम के अगेंस्ट प्रेस करते हैं। दैट मीन्स रेडियल ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि उस ड्रम की स्पीड को कम किया जा सके या उसे रोका जा सके। ठीक है, नाउ शू ब्रेक का जो मटेरियल है वो हम ड्रम के मटेरियल से सॉफ्टर यूज करते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि यदि हम इसके मटेरियल को ड्रम के मटेरियल से हार्ड करेंगे तो जो रिटार्डेशन ऑफ मोशन होता है मैकेनिकल कंपोनेंट्स में वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की मदद से होता है, और यदि शू मटेरियल हार्ड होगा ड्रम के मटेरियल के कंपैरिजन में, इस केस में क्या होगा कि मेरा व्हील जो है वही फ्रिक्शन की वजह से वियर आउट हो जाएगा और मेरा व्हील जो है ड्रम जो है रोटेटिंग ड्रम जो है डैमेज हो जाएगा। सो इससे बचने के लिए हम अपना मटेरियल जो है शू का मटेरियल जो है सॉफ्टर यूज करते हैं ताकि जब फ्रिक्शन हो तो शू मटेरियल वियर आउट हो और हम उसे आसानी से रिप्लेस कर सकें और हमारे व्हील ड्रम को कोई भी हानि ना पहुँचे। जनरली फॉर लाइट वेट और स्लो व्हीकल्स के लिए हम वुड और रबर का मटेरियल यूज करते हैं, एंड फॉर हैवी एंड फास्ट व्हीकल्स वी यूज स्टील। ओके, सो दिस इज नाउ वी कम एंड चेक द डायग्राम। इन दिस डायग्राम आर रोटेटिंग ड्रम, अ शू एंड अ लीवर इज सिचुएटेड एंड कनेक्टेड टुगेदर। हम अब बात कर लेते हैं कि इस डायग्राम में कौन सा फोर्स किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। हम पूरे डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, तो ये जो सर्कल में है आपका, ये कौन सा है? रोटेटिंग ड्रम है। ओके, इस रोटेटिंग ड्रम को हम लीवर की मदद से और शू के माध्यम से हम इसको क्या कर रहे हैं? प्रेस कर रहे हैं। ओके, एक्सियल रेडियली प्रेस कर रहे हैं ताकि ये जो रोटेटिंग ड्रम है इसके और शू के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो जो कि इसके मोशन को रिड्यूस करने का काम करे। ओके, तो हम जान लेते हैं हर एक टर्म को इसके पहले। तो ये जो ड्रम है, यहाँ पे आपको एक आर दिख रहा होगा, ये इसके रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो मेरा रोटेटिंग ड्रम या व्हील या रिम जो भी है उसका जो रेडियस है वो आर है, एंड ये जो ब्लू में आपको दिख रहा है ये मेरा ब्रेकिंग शू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्रेकिंग शू, और इसको ब्लॉक बोल लीजिए, तो ये मेरे ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि कनेक्टेड है एक लीवर से, जिस लीवर की मदद से हम ब्रेकिंग फोर्स को अप्लाई करते हैं। ओके, तो ये तीन चीज़ें हैं इसमें। और हम अब नोटेशन की बात करें तो हमको शू और ड्रम के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए ताकि इस फ्रिक्शन की मदद से हम उसके स्पीड को रिड्यूस करें। ओके, तो यदि हमें फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए इसके बीच, तो इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन चाहिए। दैट मीन्स ये तभी संभव है। इसका वैल्यू क्या होगा? म्यू आर एन। डायरेक्शन पे हम आते हैं कि ये दो एक्चुअली क्या है। हम बात करेंगे कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है इन दोनों के सरफेस के बीच, ड्रम एंड शू के सरफेस के बीच जो रिएक्शन लग रहा है, इस रिएक्शन पर डिपेंड कर रहा है मेरा फ्रिक्शनल फोर्स म्यू आर एन। ठीक है, बट ये आर एन जनरेट कैसे होगा, इन दोनों के बीच रिएक्शन लगेगा कैसे? तो ये रिएक्शन लगेगा जब आप इस लीवर के माध्यम से आप ऊपर से कोई फोर्स इस पे अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम शू के माध्यम से इस व्हील पे कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये व्हील जो है शू पे एज ए रिटर्न में एक रिएक्शन जनरेट करेगा, और ये वही आर एन है। इस आर एन की वैल्यू हमें नहीं पता, बट हम ये अज्यूम कर रहे हैं अभी फिलहाल कि ये जो शू है इसके मिड पॉइंट पे ये एक्ट कर रहा है। एक्चुअली ये हम कह नहीं सकते हैं कि एक्चुअली ये मिड पॉइंट पे ही करेगा, लेकिन हम इसके सॉल्यूशन में के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो मेरा रिएक्शन लग रहा है ये पूरे शू के मिड पॉइंट पे लग रहा है। एक्चुअली ये कहीं भी ये कर सकते हैं हम, लेकिन हम यह मान के चल रहे हैं कि मेरा जो व्हील है वो काफ़ी बड़ा है और शू का साइज काफ़ी स्मॉल है। वैसे केस में जब शू का साइज काफ़ी स्मॉल हो तो
ये जो एंगल बनेगा, मैंने यहाँ रिप्रेजेंट नहीं किया है, तो ये जो भी एंगल होगा ये काफ़ी छोटा हो जाएगा, और जब ये एंगल काफ़ी छोटा होगा तो ये जस्ट लाइक ए स्ट्रेट लाइन, जो इसका कॉन्टेक्ट सरफेस होगा ये स्ट्रेट लाइन की तरह होगा, तो उसके हम किसी पॉइंट को एज्यूम कर सकते हैं, इससे फ्रिक्शनल फोर्स इसी डायरेक्शन में आएगा। लेकिन यदि यदि शू का एरिया बड़ा हो या तो फिर व्हील का रेडियस छोटा हो, उसके कंपेरिजन में हम क्या करेंगे, यदि ये बढ़ेगा तो फिर हम इसको एज्यूम नहीं कर सकते हैं, तो उसकी वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगी, बाद की बात है। लेकिन फिलहाल हम यह मान के चल रहे हैं कि मेरा जो व्हील है उसका साइज इतना अधिक है कि जिसकी तुलना में हम इस शू के साइज को काफ़ी छोटा मार रहे हैं, और हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि रिएक्शन जो है मेरा इसके मिड पॉइंट पे लग रहा है। ओके, नाउ एक पॉइंट आपको एफ दिख रहा होगा, ये नथिंग आपके ब्रेकिंग फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ओ है फलक्रम जिसके अबाउट मेरा पूरा लीवर रोटेट कर रहा है। ओके, तो ये चीज़ है। तो हम अब इसके कैलकुलेशन पार्ट में आते हैं। तो मेरा कैलकुलेशन पार्ट का पहला एजम्पशन ये है कि मेरा जो नॉर्मल रिएक्शन है और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों जो है मिड पॉइंट से कर रहा है। ओके, आर एन नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट एट ए मिड पॉइंट ऑफ ब्लॉक। इस केस में इससे जो रोकने वाला ब्रेकिंग टॉर्क होगा, व्हील को स्टॉप करने वाला ब्रेकिंग टॉर्क, ड्रम को स्टॉप करने वाला ब्रेकिंग टॉर्क होगा, वो फ्रिक्शनल फोर्स, एक्चुअली ये स्टॉप होगा फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स इनटू इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस, तो दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स इनटू आर। अब फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हम ले तो म्यू आर एन, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू इनटू आर, और मेरा नॉर्मल रिएक्शन आर एन है, म्यू इसका कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, एंड आर इज द रेडियस, तो मेरा ब्रेकिंग टर्क जो होगा इसको जो रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो वैल्यू होगा, जो टॉर्क रिस्पॉन्सिबल होगा, उसकी उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, म्यू आर इंटू आर। अब बात ये है कि म्यू हमें पता है, ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है दोनों के कॉन्टेक्ट सर्फेस की, आर रेडियस उसका हमें पता होगा, बट ये आर एन कितना होगा, ये आर एन डिपेंड करेगा कि कितना ब्रेकिंग टॉर्क अप्लाई किया गया है। ओके, कितना ये फोर्स अप्लाई किया गया इसको रोकने के लिए, एक्सटर्नल फोर्स। तो इस चीज़ के लिए अब हमें एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दे लेते हैं। यहाँ पे आपको दो फोर्स दिख रहा होगा, इसके वजह से हो सकता है आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, एक रेड में एक, दोनों एक्चुअली फ्रिक्शनल फोर्स हैं। अब अंतर ये है कि हम व्हील की बात करें तो व्हील यदि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इन दोनों के कॉन्टेक्ट में आने की वजह से इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा हो जो इसे रोकने की कोशिश करेगा। रोकने की कोशिश करने का मतलब ये है कि ये इसका जो मोशन, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज दिस। ये जो म्यू आर एन आपको दिख रहा है ब्लू में, ये क्या है, जो व्हील को रोकने वाला फ्रिक्शनल फोर्स है। लेकिन यही फ्रिक्शनल फोर्स एक काम और कर रहा है, ये शू को इधर धक्का देने की कोशिश कर रहा होगा। एक फोर्स ऐसा लग रहा होगा इन दोनों में कॉन्टेक्ट में आने की वजह से, जो इसको इस डायरेक्शन में पुश कर रहा होगा, इस शू को इधर पुश करने की कोशिश कर रहा होगा। ये एक्चुअली कोई और फोर्स नहीं है, दोनों के बीच लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स ये जो इन्हें इसे इस ओर धक्का दे रहा है, और ये जो है इसका मैग्नीट्यूड उसी फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा। तो बस अंतर ये है कि ये जो म्यू आर एन है ये इस पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स है जो व्हील की गति को रोक रहा है, और यह म्यू आर एन है जो ब्लॉक पे लग रहा है, शू पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स है। ओके, तो ये बात हो गई। हम लोग यहाँ तक आ गए थे कि टी बी एंड ब्रेकिंग टर्क जो है मेरा इसके बराबर होगा। नाउ अब हमको यदि आर एन का पता करना है तो उसके लिए हमें अपने जो हमने मैकेनिक्स में पढ़ा है, चूँकि पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में ही होगा, तो हम ब्लॉक के इक्विलिब्रियम को का इस्तेमाल करेंगे। यदि मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, ओके, तो इस पे लगने वाले पूरे सिस्टम पे लगने वाले सारे फोर्स अपने पाइवट फलक्रम के अबाउट बैलेंस्ड होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। तो जस्ट हम क्या करते हैं, इस फलक्रम के अबाउट हम इसका मोमेंट ले लेंगे, मोमेंट अबाउट पाइवट ओ। नाउ ये देखिए, हमने शू को अलग कर लिया, क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों फ्रिक्शनल फोर्स में कन्फ्यूजन था, इसलिए हमने क्या किया है, इस शू को सेपरेटली ले लिया है। ओके, तो इस शू पे लगने वाला फोर्स कौन कौन सा है, एक फोर्स जो ये व्हील इसके ऊपर लगा रहा होगा रिएक्शन फोर्स,
आर एन जिसका डायरेक्शन ये होगा, ओके, एंड एनदर फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स। इन दोनों के कॉन्टेक्ट में आने की वजह से और इसके मोशन की वजह से यह शू जो है इस तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा होगा ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये ब्लॉक के ऊपर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स है म्यू आर एन दिस डायरेक्शन में, एंड ये एफ अप्लाइड फोर्स है। एक्चुअली एफ क्या है, अप्लाइड फोर्स, जो कि इस नॉर्मल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन तो आ ही इसकी वजह से रहा है, क्योंकि हम जब तक प्रेस नहीं करेंगे नॉर्मल रिएक्शन जनरेट नहीं होगा। तो जितना एफ होगा, एफ एफ के वैल्यू पे ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन डिपेंड करता है। तो ये है, तो एक एफ ये जो पूरे लीवर पे लग रहा है ये है, इन तीनों फोर्स की वजह से जो फलक्रम पे मोमेंट होगा वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है। तो हम अगर अप्लाई करते हैं इसको, तो एफ इंटू फलक्रम से इसका डिस्टेंस कितना है, ए है, एफ ए, डायरेक्शन इसका क्लॉकवाइज होगा। तो हम इसको सपोज पॉजिटिव ले लेते हैं। नाउ सेकेंड फोर्स कौन है, म्यू आर एन, चलिए कोई बात नहीं, पहले आर एन को लिए। सेकेंड फोर्स है मेरा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से यहाँ से लग रहा है, ओके, इसका डायरेक्शन इसके लिए क्या होगा, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इस फलक्रम को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड निगेटिव आर एन, वैल्यू आर एन एंड मल्टीप्लाइड विथ द डिस्टेंस विच इज बी, ओके, ये बी हो गया। एंड नाउ म्यू आर एन मेरा ये है, ध्यान दीजिएगा ये वाला म्यू आर एन, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम कंडीशन ब्लॉक का ले रहे हैं, ब्लॉक ये पूरा टेस्ट है इससे, तो ये पूरा सिस्टम हम पूरे ब्लॉक का ले रहे हैं। तो ब्लॉक के लिए मेरा फ्रिक्शनल फोर्स रेड वाला है, रेड वाला है यदि, तो म्यू आर एन इससे डिस्टेंस इसका कितना है सी। डायरेक्शन की बात करें तो इस ऑब्जेक्ट को ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये जो है इसको क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगा, क्योंकि ये इसके ऊपर है। तो इस केस में क्लॉकवाइज करेगा तो इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा, तो म्यू आर एन इंटू सी बट इक्वल टू जीरो। इसको यदि सिंपली सॉल्व कीजिएगा आप, तो एफ ए इक्वल टू आर एन, बी को कॉमन, सॉरी आर एन को कॉमन ले लिया है हमने और उस साइड ले गए हैं, तो बी माइनस म्यू सी, और फाइनली आपका आर एन कितना आ गया, एफ इंटू ए अपॉन बी माइनस म्यू सी। अब चूंकि अप्लाइड फोर्स आपको दिया हुआ कितना, यदि अप्लाइड फोर्स अप्लाई किया गया है तो ब्रेकिंग टॉर्क कितना उस पर मिल रहा होगा, ये हमें कैलकुलेट करना होता है। तो आपको आर एन मिल चुका है, इसके बाद हम ब्रेकिंग टॉर्क यदि हमको निकालना हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये तो टू ब्रेक में आपको ब्रेकिंग टॉर्क निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं ये बात। अच्छा, इससे कुछ एक दो निष्कर्ष निकलते हैं। निष्कर्ष ये है कि इसी फार्मूले को हम F को एक साइड लेकर के आए तो एक कुछ ऐसा फार्मूला बनता है। ये कौन सा फार्मूला है, ये बतला रहा है आपको कि कितना ब्रेकिंग फोर्स ज़रूरत है ना, कितना ब्रेकिंग फोर्स जनरेट हो रहा है, सॉरी कितना अप्लाइड फोर्स लगाने की ज़रूरत है आपको उसको स्टॉप करने के लिए। अब इस केस में B माइनस म्यू सी जो कि ऊपर में है, सोच सपोज कि यदि B का वैल्यू म्यू सी से के बराबर हो जाए या तो फिर छोटा हो जाए तो क्या होगा, F का वैल्यू या तो जीरो हो जाएगा या तो निगेटिव। यदि ये हो देन F की वैल्यू क्या होगी, अप्लाइड फोर्स या तो जीरो या तो ये हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से हो जिसमें बी की वैल्यू म्यू सी से छोटा हो जाए या इसके इक्वल हो जाए, उस केस में मेरा जो अप्लाइड फोर्स होगा वो निगेटिव हो जाएगा, मतलब कि बिना कोई फोर्स लगाए वो अपने आप ब्रेकिंग हो जाएगा। उस सिस्टम में जैसे ही शू जो है व्हील के कॉन्टेक्ट में आएगा, ब्रेक अपने आप अप्लाई हो जाएगा, आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स देने की ज़रूरत ही नहीं होगी यदि ऐसा हुआ तो। और यदि ऐसा हुआ, ऐसा कोई सिचुएशन बना, ये कंडीशन जो है, इस कंडीशन को हम लोग सेल्फ लॉकिंग ब्रेक कहते हैं। इस कंडीशन को या कोई ऐसा ब्रेकिंग सिस्टम जिसमें ये कंडीशन आ जाता हो तो उसको सेल्फ लॉकिंग ब्रेक बोलेंगे। सेल्फ लॉकिंग ब्रेक कौन सा होगा, जिसमें आपको जैसे ही शू और व्हील कॉन्टेक्ट में आए, आपको किस बिना फोर्स लगाए यदि उस पर ब्रेक अपने आप इट सेल्फ अकर हो जाए, ब्रेकिंग सिस्टम अपने आप उसमें ब्रेक लग जाए, तो वैसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, सेल्फ लॉकिंग। और ये कब होता है, जब इस बी का वैल्यू मतलब कि जो रिएक्शन और फलक्रम के बीच का डिस्टेंस है वो फ्रिक्शनल फोर्स और फलक्रम के डिस्टेंस इनटू म्यू के इक्वल या उससे छोटा हो जाए। दूसरी बात, आप देख पा रहे होंगे
कि हमारे इस इक्वेशन में एफ ए एंड म्यू आर एन इंटू सी ये दोनों पॉजिटिव है। इस केस की बात कर रहा हूँ, इस केस में क्या है, दोनों पॉजिटिव है, जरूरी नहीं कि हर केस में हो, इस केस में दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि जो ये अप्लाइड फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो मोमेंट बन रहा है, ये मोमेंट अप्लाइड फोर्स की वजह से और ये मोमेंट फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, तो ये दोनों पॉजिटिव हैं। इसका मतलब ये है कि आपको इसको ओवरकम करने के लिए, रिएक्शन को ओवरकम करने के लिए, मतलब कि जितना आपको रिएक्शन प्रोवाइड करना था उसके लिए आपको फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स मदद करेगा अप्लाइड फोर्स को, क्योंकि इन दोनों के एडिशन से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें फलक्रम के अबाउट मोमेंट, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल फोर्स का और अप्लाइड फोर्स का एक ही डायरेक्शन में हो, क्लॉकवाइज हो या एंटीवाइज हो, जिस डायरेक्शन में, लेकिन यदि दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स जो है अप्लाइड फोर्स को मदद करता है। इसका मतलब एफ का वैल्यू हमें अप्लाइड फोर्स कम लगाने की ज़रूरत होती है, ये हेल्प करता है उसको ब्रेकिंग में। और यदि ऐसा हो तो वैसे सिस्टम को हम सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक कहते हैं। आप डिफिनेशन फिर से पढ़ लीजिएगा, एज द मोमेंट ऑफ फोर्स एफ एफ एंड एफ, एफ एफ है मेरा फ्रिक्शनल फोर्स, एफ हैज अप्लाइड फोर्स, एज द मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स अबाउट फलक्रम, वो इज अ फलक्रम इज इन सेम डायरेक्शन, मतलब कि दोनों का मोमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है ब्रेकिंग को मदद करता है, और ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, सेल्फ एनर्जाइजिंग ब्रेक। ओके okay?